जादुई दर्पण। सोना नाम की एक लड़की थी जो एक जंगल के पास अपनी दादी के साथ रहती थी। एक दिन वह झील से पानी लेने के लिए घर से बाहर निकली। उसने रास्ते में एक तितली को देखा। खुशी से वह तितली का पीछा करने लगी। वाओ! फिर उत्साहित होकर मेंढक का पीछा करने लगी। अचानक पृथ्वी कांपने लगी। एक विशाल गोला सोना की ओर आ रहा था। सोना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। सोना ने देखा एक विशाल काय लड़की उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर पहले तो सोना घबरा गई, किंतु बाद में उस विशाल काय लड़की के दोस्ताना व्यवहार से सोना खुश हुई और दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। विशाल काय लड़की ने बताया, मेरा नाम जीना है, मैं जंगल में रहती हूँ। मैं रोज यहाँ क्रिस्टल इकट्ठा करने आती हूँ। दोनों ने मिलकर क्रिस्टल इकट्ठा किए। सोना जीना का महल देखना चाहती थी, पर जीना ने ये कहकर मना कर दिया कि वह जगह बहुत खतरनाक है। पर सोना अपनी उत्सुकता रोक न सकी। और एक दिन सोना ने जीना का पीछा किया। और उसने देखा कि जीना एक क्रूर दिखने वाली विशाल राक्षस को क्रिस्टल सौंप रही थी। राक्षस ने सोना को शीशे से देख लिया और उसे मार डालना चाहता था। पर जीना ने इस शर्त पर सोना की जान बचाई कि वे दोनों मिलकर उस राक्षस के खाने के लिए स्वादिष्ट मछली बनाएंगे। राक्षस ने उनकी बात मान ली। छोटी लग रही हो। इस बीच राक्षस मछली की खुशबू को सूंघता हुआ रसोई में आ गया। ओह, स्वादिष्ट मछली, मुझे बहुत पसंद है। स्वादिष्ट मछली, स्वादिष्ट मछली, तुम बहुत स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट मछली, स्वादिष्ट मछली, तुम बहुत स्वादिष्ट हो।
जब सोना अपने दादी को याद कर रोने लगी, तब जीना उसे सांत्वना देती है। चिंता मत करो सोना, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। जीना को तभी याद आता है कि यदि कोई भी गलती करता है तो राक्षस उन सभी नौकरों को चूहे में बदल देता है, किंतु उसने यह बात सोना को नहीं बताई। बाद में उन दोनों ने छिपकर राक्षस को देखा। राक्षस ने एक उपकरण में क्रिस्टल को डाला। अवतल लेंस ने सूर्य के किरणों को 7 रंगों में बदल दिया और राक्षस उसमें से निकलती सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया। जीना और सोना ने एक योजना बनाई। स्वादिष्ट मछली तुम बहुत स्वादिष्ट हो। बाद में राक्षस के स्वादिष्ट मछली खाकर सोते ही जीना और सोना राक्षस के उपकरण वाले विशेष स्थान पर चले गए। उन दोनों ने उस दर्पण को खोजकर उपकरण में डाल दिया और सभी चूहों को आजाद कर दिया। तभी वह राक्षस वहां आ गया। राक्षस जैसे ही उपकरण के नीचे गया, बदले हुए दर्पण ने अपना उल्टा असर दिखाना शुरू कर दिया। रुको, मैं तुम दोनों को अभी सबक सिखाता हूं। और राक्षस एक बौना बन गया। सभी चूहे सामान्य मानव के रूप में बदल गए और जीना एक सुंदर परी में बदल गई। जीना ने बताया वह एक परी थी, राक्षस ने उसे कैद कर लिया था। सोना ने जीना का धन्यवाद किया और दोनों खुशी खुशी घर चले गए। तो हमेशा याद रखें, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है।